तो मैं हूं संदीप गुप्ता, आप देख रहे हैं संदीप के ब्लॉग्स। और आज हम इस समय गोदौलिया पे स्थित है, जहां पे 12 साल बाद जो है पुष्कर मेला यहां पे लगा है और यहां पे कितनी तादादों में भीड़ है वो भी आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको दिखाएंगे। और किस तरह का जो है यहां पे कई राज्यों से लोग आना जाना प्रारंभ कर दिए हैं और यहाँ पे दर्शन हुए, काफी भीड़ वगैरह चल रहे, तो वो भी इस वीडियो में बने रहे। तो ले चलते आगे दिखाते हैं कि किस तरह का दृश्य आपको पुष्कर मेला में देखने के लिए मिलता है। तो देखते हैं, चलते हैं आगे की साइड। तो हम हैं गोदौलिया के चौराहे के पास, जहाँ पे आप देख रहे हैं कि सामने वाला रोड चला जाएगा आपको लंका की साइड में, और इसी के ठीक सामने ये जो लंका वाला रोड चला जाएगा मैदागिरी की साइड में। और यहाँ से जैसे की तरफ आगे चलेंगे हम, वहाँ कभी दिखाते हैं कि किस तरह का जो है बाहर से लोग आ रहे हैं और काफी भीड़ वगैरह हो रहे हैं, वो भी दृश्य पुष्कर मेला का है, जो बाबा काशीनाथ विश्वनाथ बाबा का दर्शन के लिए, गंगा घाट के लिए काफी जगहों से लोग यहाँ पे आगमन चालू है, जहाँ पे काफी सिक्योरिटी के साथ पुलिस कर्मी वगैरह सारे अवेलेबल है जो सुरक्षा, क्योंकि यहाँ पे लाखों करोड़ों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है जो पुष्कर मेला में, जो 15 दिनों के लिए चलता है, जो आज से 22 अप्रैल से लेकर 3 मई तक ये कार्यक्रम चलता है 15 दिनों के लिए, जहाँ पे लाखों तादाद में काफी भीड़ वगैरह इकट्ठा आपको देखने के लिए मिलता है। तो पुष्कर मेला काफी प्रसिद्ध है, जो 12 साल में एक बार आता है, और जहाँ पे आप देखते हैं कि 12 साल में एक बार जो लगने वाला, काफी यहाँ पे जो है भीड़ की तादाद काफी बढ़ चुकी है और श्रद्धालुओं की काफी भीड़ जो बाहर राज्यों से काफी जगहों से आते हैं। और यहाँ पे देख सकते काफी दूर दूर से लोग काफी यहाँ पे आगमन चालू होते हैं, और गंगा स्नान के लिए काफी प्रसिद्ध हो जाता है वो भी आपको। और यहाँ पे कितने श्रद्धालुओं की भीड़ लाइन से लगी हुई आप देख सकते हैं, और इन तादादों में यहाँ पे काफी भीड़ भाड़ हो जाते हैं और लोगों को दिक्कतें भी होती है, क्योंकि सिक्योरिटी का भी प्रबंध नहीं किया जाए तो काफी लोगों को दिक्कत हो जाती है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि किस तरह का जो है पुष्कर मेला का लोग आनंद उठाते हुए काफी शहरों से आते हैं, और अनगिनत बाहर से ज्यादा लोग मिलते हैं यहाँ पे, जहाँ देख सकते हैं बंगाल वगैरह हो, कोलकाता वगैरह हो, इन जगहों से आते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि किस तरह के जो श्रद्धालु जो है स्नान करने के लिए आते हैं। मंदिर की तरफ भी ले चलते हैं, और जो काफी भीड़ है और श्रद्धालु दर्शन करने के लिए माँ गंगा के आए हैं काफी दूर से और मेला का आनंद उठाने के लिए, क्योंकि पुष्कर मेला 12 साल में एक बार ही यहाँ पे आता है देखने के लिए। तो वो भी आपको इस भीड़ इलाके में दिखाते हैं कि पुष्कर मेला का आनंद कैसा होता है। तो वीडियो में दोस्तों बने रहे, उसके पहले वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें। चलते हैं आगे भी दिखाते हैं पुष्कर मेला का आनंद कैसे लिया। देखते हैं आप यहाँ पे भीड़ की तादाद और पुष्कर मेला का आनंद, लोग खाते पीते पूजा पाठ सारा चीज जो है आप वीडियो माध्यम से देख सकते हैं। और सामने देख रहे हैं इंदिरा गांधी स्कूल है, और इसी के आगे की तरफ हम ले चलेंगे, जहाँ पे आपको दिखाते हैं किस तरह का जो है काफी तादाद में भीड़ वगैरह इकट्ठा आपको मिलेंगे, और माँ गंगा के सीधे आप चले जाएंगे माँ गंगा के स्नान के दशर समय घाट, वो दृश्य आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे किस तरह के तादाद में काफी मिलेंगे। और यहाँ लाखों श्रद्धालु जो है काफी दूर दूर से आते हैं, और यहाँ पे देख सकते हैं कि काफी जगहों पे जो है अलग अलग तरह के लोग हैं, यहाँ पे देखिए किस तरह के जो सजन है सारे चीजें आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। और यहाँ देख सकते हैं किस तरह के काफी खूबसूरती के साथ साथ गोदौलिया को भी बनाया गया है, जहाँ पे आप देख सकते हैं। और अंदर की तरफ भी आपको ले चलते हैं, जहाँ पे दिखाते हैं यहाँ का दृश्य, और ये देखिए काफी शहरों से काफी राज्यों से पुष्कर मेला घूमने के लिए काफी जगहों से है गंगा स्नान करने के लिए आए हैं, वो आप देख सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। यहाँ पर काफी तादाद में पूरे आपको अलग अलग तरह के सारे मिल जाएंगे, खाने पीने की भी इधर व्यवस्था है, चाय वगैरह भी करने हैं तो लोग कर सकते हैं, और यहाँ पे कुछ लोग खरीदारी वगैरह के लिए भी आते हैं वो भी आपको गोदौलिया पे मिल जाता है। गोदौलिया से जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे वहाँ का भी आपको ये दृश्य देखने के लिए मिलेगा, और किस तरह का ये काफी भीड़ है आज, काफी तादादों में भीड़ है, और ऊपर की साइड में देख सकते हैं कि चारों तरफ जो है
पूरा घिरा हुआ रहता है जाली उगरा से, क्योंकि काफी इधर बंदर वगैरह भी रहते हैं जिससे सेफ्टी के लिए काफी हो। यहाँ पे चारों तरफ से पैक किए रहते हैं जाली उगरा से। यहाँ पे आप देख सकते हैं जाली उगरा से पूरा पैक किए रहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं और यहाँ पे जो है आपको देखने के लिए मिलेगा घोड़ी उगरा। पुष्कर मेला के साथ साथ जो है यहाँ पे काफी सिक्योरिटी वगैरह भी रहती है जगह जगह पे, पुलिस की धरना, इसलिए क्योंकि लोगों को काफी दिक्कतें परेशानी उठाना ना पड़े। और ये देखिए सामने पंडित कालीराम मालवीय गली है और यहीं से आगे चलेंगे तो ये आप देख रहे हैं बाबा विश्वनाथ गली, यहाँ पे काफी फेमस काफी चर्चित गली है। और देख सकते हैं कि पूरे आपको इस वीडियो में दिखे ऊपर देखिए किस तरह का जो है पूरे सेम कलर का ही डिजाइन इधर किया गया है जहाँ पे आप देख सकते हैं। और ये देखिए ये है श्रद्धालुओं की भीड़ दोस्तों, और काफी तादाद में पुष्कर मेला का। और ये देखिए सबसे पहले ये विश्वनाथ देवी मंदिर जहाँ पे मंदिर का द्वार आप देख सकते हैं, इसी से एंट्री करेंगे तो आप विश्वनाथ मंदिर में भी जा सकते हैं। और ये है भुटेश्वर गली पुलिस चौकी, यहाँ से अंदर जाएंगे पुलिस चौकी आपको मिल जाएगा, उसी के आगे आप ले चलेंगे खिचड़ी बाबा के, जो खिचड़ी बाबा का प्रसाद सभी को मिलता है वो भी आप देख सकते हैं। और ये खिचड़ी बाबा मंदिर है जो खिचड़ी बाबा का यहाँ पे आज मिले, काफी श्रद्धालु जो है प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं काफी। और इसी के सामने आपको मिल जाएंगे बृहस्पति भगवान का मंदिर, यहाँ वो भी आपको दृश्य मिलेगा। ये आ जाएगा बृहस्पति भगवान जी का मंदिर जहाँ पे काफी तादाद में आज भी काफी भीड़ इकट्ठा है। और ये देख के दोस्तों कितनी श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है और आप देख सकते हैं। इस तरह दोस्तों कई राज्यों से आते हैं और ये करीब 15 दिनों के लिए मेला चलता है, और दूर दूर देशों राज्यों से आने वाले का भी यहीं पे रहने की व्यवस्था होते लोग अपना करके भी रहते हैं। बहुत से लोग गंगा जी के पास भी आश्रय बना लेते हैं जिससे लोगों को काफी दिक्कतें भी होती हैं, क्योंकि ये जो मेला है कुंभ का पुष्कर का मेला, ये काफी दूर दूर से लोग यहाँ स्नान पूजा करने के लिए, हर घाटों का स्नान भी लोग करते हैं क्योंकि 12 घाटों का लेकर ये मनाया जाता है, इसलिए 12 साल में एक बार ही आता है ये। आप देख सकते हैं गंगा जी के पास हम पहुंचने वाले हैं, जहाँ लोग स्नान कर बाहर निकल रहे हैं और गंगा जी साथ लेते हुए होटल में। और यहाँ पे देख सकते हैं कि चारों तरफ जो है काफी भीड़ हो चुके हैं। और ये सुबह के दोस्तों करीब 9:30 बज रहे हैं जहाँ पे आपको ये दृश्य देखने को मिल रहा है, क्योंकि सुबह के टाइम और काफी भीड़ हो जाती है और धीरे धीरे इसी तरह जो है शाम तक आपको भीड़ मिलते रहेंगे, जहाँ पे देखेंगे कि किस तरह का जो है पुष्कर मेला का आनंद लोग काफी दूरों से आ रहे हैं। जहाँ पे आप देख सकते हैं क्योंकि ये जो एक आनंदमय मेला होता है लोग काफी दूरों से आते हैं और यहाँ पे दर्शन गंगा स्नान वगैरह सारे करते हैं। और सामने आप देख रहे हैं दशा समेत भवन आपको देखने के लिए मिल जाए, दशा समेत भवन से थोड़ा सा आगे आप जाएंगे वहाँ गंगा स्नान मिल जाए। और इस तरह का ले चलते हैं आपको पूरा दृश्य देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों पुष्कर मेला आपको दिखा रहे हैं किस तरह जो पुष्कर मेला का आनंद लोग उठा रहे हैं, अपने हर तरह के सामान आपको मिल जाएंगे यहाँ पे, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ आगे का भी घाट का भी नजारा आपको दिखाते हैं किस तरह का घाट के नजारे आपको दिखाते हैं। और यहाँ भी और ये आ जाएंगे प्रभु की मंदिर है। यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह लोग दर्शन वगैरह करने आए, स्नान करने आए हैं जो भी आपको काफी तादाद में देखिए इस पार से उस पार तक जो है काफी भीड़ वगैरह उमड़ी हुई है और स्नान के लिए लोग काफी दूर दूर से आए हुए हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे तो माँ गंगा का मंदिर है, यहाँ आपको माँ गंगा मंदिर मिल जाएगी और उसी के सामने जो है काफी श्रद्धालु जो स्नान के लिए माँ गंगा के पास आए हुए हैं, जहाँ पे स्नान ग्रहण कर रहे हैं लोग। देखिए इस तरह जो कि काफी भीड़ लगी हुई है इस समय,
और इसी तरह दोस्तों 15 दिनों तक जो है आपको इससे भी ज्यादा भीड़ देखने के लिए मिलेगा। और आज पहला दिन है जो 22 अप्रैल है 2023 का है, जो 12 साल बाद जो है पुष्कर मेला का आनंद लोग उठा रहे हैं। काफी दूर से देख सकते हैं कि किस तरह जो है काफी भीड़ लगी हुई है स्नान गंगा के लिए। और इसी तरह स्नान गंगा के पास लोग जाएंगे माता का दर्शन करने, और यहाँ पे काफी भीड़ आपको देखने के लिए नाव वगैरह पे सभी लोग देखेंगे। इस पास उस पास जो है काफी स्नान के लिए भीड़ लगे हुए हैं। ये पुष्कर मेला ये आपको दृश्य देखने के लिए, और ये देखिए लोगों का आवागमन चालू है और काफी तादाद में भीड़ यहाँ पे चल रहे हैं। आपको ये वीडियो अगर पुष्कर मेला का पसंद आया है जो 12 साल में एक बार लगते हैं, तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और कैसा लगा आज का दृश्य, जिस जिस व्यक्ति ने नहीं देखा हो तो ये इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।